अज की इस वीडियो दे विच असी करांगे पंजाब जीके दे नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट MCQ दा पार्ट 11। हाँ जी, जिहड़े भी स्टूडेंट पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिमें कि तुहानूं पता है असी 1000 MCQ दी सीरीज स्टार्ट की है, जिस दे विच असी पहले 10 पार्ट्स दे विच 450 MCQ कवर कर चुके हैं। जेकर तुसीं पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक पार्ट नू नाल दी नाल कवर करना शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट ते 1000 MCQ करना तुहाडे लई बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुहानूं पता है असीं 1000 MCQ किसी एक टॉपिक दे नाल रिलेटिड नहीं कर रहे, असीं पंजाब GK दे नाल रिलेटिड कर रहे हैं, जिस दे विच तुहाडे सारे ही सबजैक्ट इनकलूड ने, जाने कि सारे ही तुहाडे टॉपिक आ जो वह लए गए ने, जिमें कि पंजाब की हिस्टरी ली गई आ, सिख इतिहास, पंजाब की आर्थिक व्यवस्था, इस तो इलावा जो भी पंजाब दे इंपोर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, पंजाब दी लैंग्वेज दे नाल रिलेटिड, ठीक है, वो सारे ही असीं इस 1000 दे विच कवर करन वाले हैं, जो भी पंजाब दे इंपोर्टेंट टॉपिक तुहाडे गवर्नमेंट एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपोर्टेंट ने। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, गुरु नानक देव जी ने 12 माह की रचना की है। हाँ जी, श्री गुरु नानक देव जी ने 12 माह की रचना राग तुखारी दे विच की। ऑप्शन नंबर 7 इज़ द राइट आंसर। इस तो इलावा श्री गुरु नानक देव जी दियां इंपोर्टेंट बाणियां केड़ियां ने? जपजी साहिब, सिद्ध गोस्ट, सोदर, आसा दी वार, पत्ती लखी लिखी, 12 माह, एक ओंकार, कीर्तन सोहिले। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह की रचना किस राग विच की? श्री गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह की रचना किहड़े राग दे विच की? माज दे विच। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1604 ईस्वी के आदि ग्रंथ का संकलन करवाया सी, ठीक है, ये तुसीं याद रखना बहुत इंपोर्टेंट आ तुहाडे लई। ते गुरु अर्जन देव जी की इंपोर्टेंट बाणी आ सुखमणी साहिब, सिख इतिहास के सब तो लंबी बाणी आ सुखमणी साहिब, ठीक है, इस गल का तुसीं ध्यान रखना, जिसनों सुखां दी मणि भी बोलिया जाता। नैक्सट, केड़ी जन्म साखी सब तो प्राचीन है? हाँ जी, पुरातन जन्म साखी सब तो प्राचीन। ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, अष्टपदी रूप किस बाणी विच वरत्या गया है? हाँ जी, अष्टपदी रूप, जिवें कि तुहानूं पता है अष्टपदी रूप सुखमणी साहिब की बाणी दे विच वरत्या गया है। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, चरित्रोपाख्यान किस धर्म ग्रंथ विच शामिल है? हाँ जी, चरित्रोपाख्यान यह दसम ग्रंथ साहिब दे विच शामिल आ। दसम ग्रंथ किस दी किन्ना दी रचना है? तो यह है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना, इस गल का तुसी ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन, दसम ग्रंथ का नायक कौन है? हाँ जी, दसम ग्रंथ का नायक कौन है? अकाल पुरख। ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, आनंद साहिब किस गुरु कवि की किरत है? हाँ जी, आनंद साहिब श्री गुरु अमरदास जी की किरत है, यानी कि इन्हों की रचना है। ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब किन्ने भट्टां की बाणी दर्ज है? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के किन्ने भट्टां की बाणी दर्ज आ? 11 भट्टां की। ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भट्टां की बाणी किस काव्य रूप में दर्ज है? हाँ जी, भट्टां की बाणी किस काव्य रूप के दर्ज आ? स्वये दे विच। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, जाप साहिब के करता कौन हन? हाँ जी, जाप साहिब किन्ना दी रचना है? देखो, जपजी साहिब श्री गुरु नानक देव जी की रचना है, पर जाप साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। इस तो इलावा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दियाँ इंपोर्टेंट रचनावान ने जाप साहिब, अकाल उस्तत, चौपई साहिब, वार श्री भगवती जी की, बचित्र नाटक, चरित्रा, 24 अवतार, ठीक है, इस गल का तुसी ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी
हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की किस बाणी उपर महला का संकेत अंकित नहीं है? हाँ जी, महला का संकेत अंकित नहीं है केड़ी बाणी के उपर? जपजी साहिब के उपर। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी किस गुरु के केवल श्लोक ही दर्ज हैं? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कि गुरु साहबान जी के श्लोक ही दर्ज आ? श्री गुरु अंगद देव जी दे। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, असी श्री गुरु अंगद देव जी की गल की तो तुहानू पता होना चाहिए कि श्री गुरु अंगद देव जी ने जी जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की रचना की सी। ठीक है, जन्म साखी की, इस गल का ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, अगे नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब किन्नी प्रकार के लोग काव्य रूप मिलते हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहिब किन्नी प्रकार के लोग काव्य रूप मिलते हैं? लगभग 55 प्रकार के। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, ज्ञान रत्नावली किस उपर आधारित है? हाँ जी, ज्ञान रत्नावली भाई गुरदास जी की पहली बार है। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, जपजी साहिब की रचना किस राग विच है? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, जपजी साहिब जी की रचना किसी भी राग दे विच नहीं गी। ऑप्शन नंबर सस्सा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, चंडी की वार विच किन्नियां पौड़ियां ते दोहरे दर्ज हैं? हाँ जी, चंडी की वार विच 54 पौड़ियां ते एक दोहरा दर्ज है। ऑप्शन नंबर सस्सा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, भाई गुरदास जी की केड़ी बार विच मुख तौर पर पुराणिक अवतारां दा वर्णन मिलता है? हाँ जी, भाई गुरदास जी की 12वीं बार दे विच पुराणिक अवतारां दा वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, जैजाबंती राग की वरतों किस गुरु साहिब ने की सी? हाँ जी, जैजाबंती राग की वरतों श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की सी। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज दशन असी करते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज केड़ी बार सब तो छोटी है? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज बसंत की बार सब तो छोटी आ। ऑप्शन नंबर सस्सा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, किस भगत के गुरु ग्रंथ साहिब केवल 61 शब्द हैं? हाँ जी, भगत नामदेव दे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच केवल 61 शब्द आ। ऑप्शन नंबर सस्सा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब किन्ने भगतों की बाणी दर्ज है? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब किन्ने भगतों की बाणी दर्ज है? तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ईडी। इस गल का तुसीं ध्यान रखना कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब 11 भट्टां की बाणी दर्ज आ ते 15 भगतों की बाणी दर्ज आ। नैक्सट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब आखिरी राग है? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच आखिरी राग केड़ा है? जैजाबंती। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, दाढ़ी अब्दुल्ला ते नथू मल किस गुरु साहिब के दरबार विच 12 गाया करते सन? हाँ जी, दाढ़ी अब्दुल्ला ते नथू मल श्री गुरु हरगोबिंद जी के दरबार विच 12 गाया करते सी। ऑप्शन नंबर सस्सा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के किन्ने पन्ने हैं? किन्ने अंग हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के किन्ने अंग हैं? 1430। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज रचनावां की गिनती सही क्रम के जोड़ो। हाँ जी, सही क्रम के जोड़ो। मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि हाँ जी, गुरु साहिबान किन्ने गुरु साहिबाना की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज आ? तो इसका राइट आंसर की आ? 6। ठीक है, 6 गुरु साहिबाना की बाणी दर्ज आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। ते इस तो इलावा ते हाँ जी, किन्ने भगतों की बाणी दर्ज आ? 15 की। तो किन्ने भट्टां की बाणी दर्ज आ? हाँ जी, किन्ने भट्टां की बाणी दर्ज आ? 11 की। वह भी मैं तुहानू दस चुकी हाँ, 11 भट्ट। तो किन्ने गुरसिखा की बाणी दर्ज आ? 4 गुरसिखा की बाणी दर्ज आ। जाने कि
ऑप्शन नंबर थोड़ी 4-3-2-1 बन रही है, तो असं देख लें कि 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सस्ता इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद के किन्ने शब्द दर्ज हैं? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच बाबा फरीद जी के 4 शब्द दर्ज हैं। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों केड़ी बाणी पंजां बाणियां विच नहीं आउंदी? पंजां बाणियां मतलब नितनेम दे विच नहीं आउंदी। हाँ जी, तां इन हेठ लिखिया दे विचों सुखमनी साहिब नितनेम जाने कि पंज बाणियां दे विच नहीं आउंदी। नितनेम दीआं बाणियां जिहड़ियां पंजां बाणियां दे विच नहीं आउंदी, जिवें कि तुहानूं पता है जपजी साहिब, जाप साहिब, सौदर रह रास्ते, कीर्तन सोहिला, चौपई साहिब, नितनेम साहिब दे विच आउंदे आ, ते पर सुखमनी साहिब दी बाणी नितनेम साहिब दे विच नहीं आउंदी। नैक्सट क्वेश्चन, सॉरी, किस सिख तख्त नूं गुरु की काशी भी कहा जाता है? हाँ जी, किस सिख तख्त नूं गुरु की काशी बोलिया जाता है? श्री दमदमा साहिब नूं। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। जिवें कि तुहानू पता है सिख धर्म दे विच 5 तख्त हैं, तो वह कि यह तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिखोगे, तुहाडे सामने ही आ, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, आसां दी वार, दाढ़ी अब्दुल्ला ते नथू मल किस गुरु साहिब दे दरबार विच 12 गाया करदे सन? हाँ जी, दाढ़ी अब्दुल्ला ते नथू मल श्री गुरु हरगोबिंद जी दे दरबार विच 12 गाया करदे सी। ऑप्शन नंबर सस्ता इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे किन्ने पन्ने हन ज सॉरी किन्ने अंग हन? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे किन्ने अंग हन? 1430। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज रचनावां दी गिनती नूं सही क्रम दे विच जोड़ो। हाँ जी, सही क्रम दे विच जोड़ो। मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि हाँ जी, गुरु साहिबान किन्ने गुरु साहिबाना दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज आ, तो इसका राइट आंसर की आ? 6। ठीक है, 6 गुरु साहिबाना दी बाणी दर्ज आ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। ते इस तो इलावा तो हाँ जी, किन्ने भगतां दी बाणी दर्ज आ? 15 दी। ते किन्ने भट्टां दी बाणी दर्ज आ? हाँ जी, किन्ने भट्टां दी बाणी दर्ज आ? 11 दी। वह भी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ, 11 भट्ट। ते किन्ने गुरसिखां दी बाणी दर्ज आ? 4 गुरसिखां दी बाणी दर्ज आ। जाने कि ऑप्शन नंबर तुहाडी 4-3-2-1 बन रही आ, तो असीं देख लैंदे आ कि 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर सस्ता इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद दे किन्ने शब्द दर्ज हैं? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बाबा फरीद जी दे 4 शब्द दर्ज हैं। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों केड़ी बाणी पंजां बाणियां विच नहीं आउंदी? पंजां बाणियां मतलब नितनेम दे विच नहीं आउंदी। हाँ जी, तां इन हेठ लिखिया दे विचों सुखमनी साहिब नितनेम जाने कि पंज बाणियां दे विच नहीं आउंदी। नितनेम दीआं बाणियां जिहड़ियां पंजां बाणियां दे विच नहीं आउंदी, जिवें कि तुहानूं पता है जपजी साहिब, जाप साहिब, सौदर रह रास्ते, कीर्तन सोहिला, ते चौपई साहिब, नितनेम साहिब दे विच आउंदे आ, ते पर सुखमनी साहिब दी बाणी नितनेम साहिब दे विच नहीं आउंदी। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, किस सिख तख्त नूं गुरु की काशी भी कहा जाता है? श्री दमदमा साहिब नूं गुरु की काशी बोलिया जाता है। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, आसां दी वार किस लोक बार दी धुनी ते गाउण दा निर्देश है? टुंडे असराजे दी वार ते। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा सब तो पहला राग केड़ा है? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सब तो पहला राग केड़ा है? सिरी राग आ जिहड़ा सब तो पहला है, ते जज़ाबंती लास्ट राग आ। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु नानक देव जी ते श्री गुरु अर्जन देव जी ने करम बार केड़े केड़े रागां विच 12 माह दी रचना कीती? हाँ जी, जिवें कि तुहानू पता है श्री गुरु नानक देव जी ने तुखारी दे विच 12 माह दी रचना कीती आ, ते माझ दे विच कीती आ श्री गुरु अर्जन देव जी ने। तो ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। करम बार लिखिया ना, करम बार मतलब जेकर पहला श्री गुरु
नानक देव जी लिखिया तो इन्हों के कोरसपोंडिंग तुखारी भी बनेगा। ठीक है, करम बार का मतलब हों कि जो फस्ट पर लिखिया उसकी कोरसपोंडिंग फस्ट, जो सैकेंड पर लिखिया उसकी कोरसपोंडिंग सैकेंड, जो थर्ड पर लिखिया उसकी कोरसपोंडिंग थर्ड। हाँ जी, नैक्सट, सुखमनी साहिब किनिया अष्टपदियां हैं? सुखमनी साहिब के किनिया अष्टपदियां ने? 24। ऑप्शन नंबर 7 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 7 इज द राइट आंसर। 24 सुखमनी साहिब जी के अष्टपदियां ने। जपजी साहिब किनिया पौड़ियां हैं? हाँ जी, जपजी साहिब जी के किनिया पौड़ियां ने? तो ऑप्शन नंबर ई डी इज द राइट आंसर, 37 पौड़ियां ने। नैक्सट क्वेश्चन, किस सिख गुरु साहिबान नूं बाला प्रीतम भी कहा जाता है? हाँ जी, बाला प्रीतम भी कहा जाता है। किन्हां नूं कहा जाता है? श्री गुरु हरकृष्ण जी नूं, इन्हां नूं बाल गुरु भी बोलिया जाता। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, गुलाम फरीद के किन्ने सलोक गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज हैं? हाँ जी, गुलाम फरीद के किन्ने सलोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्ज आ? इन्हां दे विचों कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर 7 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कोई नहीं गा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो वध 12 किस दियां हन? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो वध 12 श्री गुरु रामदास जी दियां ने, टोटल 8 12 ने। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत रविदास के किन्ने शब्द हैं? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भगत रविदास जी के 40 शब्द हैं 16 रागों के। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद जी ने किहड़े किहड़े राग वरते हैं? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद जी ने राग आसा ते सूही वरते ने। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच श्री गुरु तेग बहादुर जी के दर्ज 59 शब्द ते 57 सलोक किन्ने भागों विच हन? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच श्री गुरु तेग बहादुर जी के 59 शब्द ते 57 सलोक किन्ने भागों के विच हन? 15 भागों के विच। ऑप्शन नंबर 7 इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, आसा दी बार विच करम बार किन्नियां पौड़ियां ते सलोक हन? हाँ जी, आसा दी बार दे विच 24 पौड़ियां अते 59 सलोक हन। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, वह केड़ी बाणी है जिस दे 59 सलोकों विचों 44 गुरु नानक देव जी दे अते 15 श्री गुरु अंगद देव जी दे लिखे गए हैं? तो राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर आड़ा, आसा दी बार। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की असल बीड़ कित्थे सुशोभित है? हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की असल बीड़ कित्थे सुशोभित है? तो राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर आड़ा, करतारपुर साहिब दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का समकाली सम्राट कौन है, कौन सी? हाँ जी, श्री गुरु नानक देव जी के समकाली सम्राट कौन सी? तो श्री गुरु नानक देव जी के समकाली सम्राट से बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, बाबर ते हुमायूं, उपरोक्त सारे। ऑप्शन नंबर 7 इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु अंगद देव जी के समकाली सम्राट कौन सी? श्री गुरु अंगद देव जी के समकाली सम्राट से हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। ऑप्शन नंबर 7 इज़ द राइट आंसर, सारे ही। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु अर्जन देव जी के समकाली सम्राट कौन सन? हाँ जी, श्री गुरु अर्जन देव जी के समकाली सम्राट सन अकबर अते जहांगीर। ऑप्शन नंबर 7 इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब का समकाली सम्राट कौन सी? हाँ जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समकाली सम्राट सन जहांगीर अते शाहजहां। ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, श्री गुरु हरकृष्ण जी का समकाली सम्राट कौन सी? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, 7 साल 8 महीने ते 26 दिनों की छोटी जही उम्र भोग के किहड़े सिख गुरु साहिबान ज्योति जोत समाए सी?
ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਕੌਣ ਸਨ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਕੌਣ ਸਨ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।